और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो सबसे पहले हमारा बीपी बढ़ने लगता है, और जब बीपी बढ़ता है तो और दूसरी हार्ट की समस्याएं हमको क्लिक करने लगती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर डायबिटीज़ की आशंका बढ़ जाती है, तो हमको और बीमारी ना हो इसका विशेष ध्यान रखते हुए प्रणाम। दोस्तों, आज के समय में एक समस्या जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल, और पहले ये बीमारी कभी होती ही नहीं थी। जो बहुत विलासपूर्ण जीवन जीते थे सिर्फ उन्हीं को ही यह क्लिक करता था, और आज के समय में ये बच्चों में भी तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि बहुत गलत बात है। बच्चों की गेम्स की एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो रही है। बच्चों के जो गेम्स हैं मोबाइल पर, लैपटॉप पर, ट्यूब और कंप्यूटर पर ही हो रहे हैं, और गली में इतनी जगह रही नहीं, सड़कों पर इतनी जगह रही नहीं कि बच्चे गेम्स खेल पाएँ। ग्राउंड में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि बच्चे गेम्स नहीं कर पाते। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ किसी ना किसी रूप में ज़रूर करनी चाहिए। पहले लोग मोटा पहनते थे, मोटा खाते थे, स्वस्थ रहते थे, लेकिन आज के समय में हम लोग इस परिपाटी को बुरी तरह भूल चुके। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हमको चार चीज़ें अपने जीवन से बिल्कुल त्याग देनी चाहिए। रिफाइंड तेल, रिफाइंड चीनी, रिफाइंड नमक और रिफाइंड आटा हमको बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। चीनी की जगह हमको गुड़ का सेवन करना चाहिए। रिफाइंड तेल की जगह सरसों का तेल या देसी घी हमको इसका प्रयोग करना चाहिए। पहले लोग गाय का घी का सेवन करते थे, किसी का कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड किसी कीमत पर नहीं बढ़ता था, और आज के समय में ये बहुत हम इन चीज़ों को भूल चुके हैं। तो मित्रों, मैं आपको एक बात कहूँगा कि हमको रिफाइंड नमक की जगह सेंधा नमक जरूर प्रयोग करना चाहिए। जब से हमने सेंधा नमक छोड़ा है तभी से बीपी की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है। और बात कर रहे हैं हम कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल खून के अंदर जो चर्बी होती है उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, और ये होनी बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन इसकी एक लिमिट है। जब लिमिट से ज़्यादा हो तो बहुत गलत है। हमारे शरीर के अंदर एक चेन है, रस, रक्त, मांस, मेद, मेद यानी और दूसरा चर्बी। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसका निर्माण होता है, तो चर्बी भी हमारे शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। और कोलेस्ट्रॉल जो मैंने अभी बताया, जो नसों के अंदर चर्बी जमती है उसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। इसकी भी एक लिमिट है, 150 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL, ये हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। और बैड कोलेस्ट्रॉल, यह भी दो प्रकार का है, एक बैड, एक वेरी बैड, LDL, VLDL। ये जितने कम होंगे उतना अच्छा, लेकिन आज के समय में बिल्कुल उल्टा हो गया। लोगों के LDL और VLDL बढ़ रहे हैं, HDL घट रहे हैं। हमको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जो घी तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह अच्छा हो। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो सबसे पहले हमारा बीपी बढ़ने लगता है, और जब बीपी बढ़ता है तो और दूसरी हार्ट की समस्याएं हमको क्लिक करने लगती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर डायबिटीज़ की आशंका बढ़ जाती है, तो हमको और बीमारी ना हो इसका विशेष ध्यान रखते हुए अपना कोलेस्ट्रॉल ज़रूर मेंटेन करें, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बॉडी के डिटॉक्स करने के लिए, ख़ास तौर से लीवर को डिटॉक्स करने के लिए हम एक दवा बनाते हैं, मेदनाशक गोधन वटी। इस दवा के अंदर हम कुटकी, चिरायता, गिलोय, त्रिफला, नागरमोथा, शिवनाक और कुटकी कहते हैं केदार कड़वी को, और पुनर्नवा, इन सब को एक एक किलो लिया, खूब पानी में उबाल लिया, उबाल करके छान लिया। इसमें 40 लीटर गौमूत्र, लेकिन गौमूत्र देसी गाय का होने चाहिए, दूसरी गाय का ना हो, डाल करके हम पकाते हैं। जब रबड़ी सी बन जाती है तब हम 375 मिलीग्राम की गोली बना करके इसको तैयार करते हैं। इसका नाम है मेदनाशक गोधन वटी। ये बॉडी को डिटॉक्स करती है, हमारी बॉडी के जितने भी, ख़ास तौर से लीवर के लिए ये बहुत अमृत तुल्य है। किसी को जॉइंडिस हो रहा हो या लीवर के फंक्शंस डिसएक्टिवेट हो, आंतों के फंक्शन डिसएक्टिवेट हो, कैंसरस सेल्स या ट्यूमरस सेल्स डेवलप हो रहे हैं, उनको ये रोकती है। और
हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करती है। जो लोग बहुत मोटे होते हैं या बॉडी में फैट ज़्यादा होता है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इसका एक घटक त्रिफला भी है, तो त्रिफले का घन पड़ने के कारण ये पेट हमारा साफ रखती है। दूसरी दवा है लोह रसायन, ये भैषज रत्नावली की है। ये आयुर्वेद सार संग्रह की जो दवा है वह हमारे आयरन को बढ़ाती है, लेकिन भैषज रत्नावली की लोह रसायन हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है और हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस करती है। दोस्तों, यदि हम इनकी दो दो गोली नियमित रूप से वैसे ही सेवन करते रहें तो हमारे लीवर फंक्शन एक्टिवेट रहते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है, लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल ठीक रहती है और हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपसे हर समय उपलब्ध रहता हूँ और YouTube पर आपको नई नई जानकारियाँ देता हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से और स्वयं हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक जरूर सब्सक्राइब करें और करवाएं, उसका बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। दूसरे सोशल मीडिया Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से आप उनको भी जरूर फॉलो करें। मैं आपसे ऑनलाइन ऑफलाइन हर समय उपलब्ध रहता हूँ, आप कभी भी निसंकोच मेरे से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, परामर्श का कोई शुल्क नहीं है। धन्यवाद।